अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज़ क्रॉकेट्स। उसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और उसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बटर। और जब बटर मेल्ट हो जाए तो उसमें हम डालेंगे अनियन। मैंने 5 अनियन लिए हैं और अगर आप नॉर्मल अनियन यूज़ कर रहे हैं तो आप एक मीडियम साइज़ का अनियन ले सकते हैं। अब जब अनियन हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अच्छी तरह से, तब तक इसको हम कुक होने देंगे। अनियन हमारा कुक हो चुका है, अब उसमें हम डाल रहे हैं मैदा। 1/4 कप मैदा डाला है मैंने। उसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी जब तक उसमें से खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती और वो थोड़ा फूल नहीं जाता। तो मैदा हमारा अच्छे से भून चुका है, फूक गया है। अब उसमें धीरे धीरे करके हम 1 कप मिल्क डाल देंगे और अच्छी तरह से मिल्क के साथ मैदे को मिक्स कर देंगे और फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। और ये देखिए मैदा हमारा अच्छे से मिल्क के साथ मिक्स हो गया और अच्छा गाढ़ा मिक्सचर बन गया है। ये रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर पाउडर, ये 3 चीज़ें मैंने अभी इसमें डाली है और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी अच्छे से। फिर उसमें डाल देंगे ग्रीन चिली। ग्रीन चिली 2 डाली है मैंने, आप चाहे तो 1 भी डाल सकते हैं, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कैप्सिकम डाल रही हूँ मैं। ग्रीन अनियन का जो ग्रीन हिस्सा है वो डाला है मैंने इसमें अब, और नमक, क्योंकि नमक मैंने इसमें नहीं डाला था। अब आलू मैंने 2 लिए हैं, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया और मैश कर लिया है। और 300 ग्राम चिकन लिए मैंने, उसमें मैंने नमक डाला है और उसको उबाल लिया है अच्छी तरह से, और उसके बाद उसको श्रेड कर लिया था। और ये सारा मिक्सचर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इस मिक्सचर को हम कर लेंगे ठंडा। ठंडा हो गया हमारा मिक्सचर। हाथों में मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से ताकि स्टिक ना हो हमारे हाथ पे। और इस तरह से एक पोर्शन लूँगी मैं इसका। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं। इस तरह से इसको फ्लैट करके चीज़ रख देंगे इसमें। जो चीज़ क्यूब होता है उसके मैंने 3 पार्ट किए हैं, उसका एक पार्ट मैंने सेंटर में रख दिया है और इसको अच्छी तरह से रोल बना लेंगे। इस तरह से हर तरफ से चीज़ को पैक कर देंगे और ये रेडी हो गया हमारा क्रॉकेट। अब हम सारे क्रॉकेट्स बना के उसकी कोटिंग कर लेंगे। 2 अंडे लिए हैं मैंने, उसमें 2 टेबलस्पून मिल्क डाला है और थोड़ा सा नमक डाल के उसको फेंट लिया है। और उसमें क्रॉकेट को पहले डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्ब में हम डिप कर देंगे। पैंको ब्रेड क्रम्ब यूज़ कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पैंको ब्रेड क्रम्ब जो होता है उससे ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं जो कोटिंग होती है। अब सारे रेडी हो गए हैं कोट होके, अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और उसमें मैंने क्रॉकेट्स डाल दिए हैं और इसको ब्राउन होने तक हम करेंगे फ्राई। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट भी हो जाएगा अंदर, क्योंकि अंदर तक कुक हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं क्रॉकेट्स का कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इनको उतार लेंगे और ये देखिए रेडी हो गए हमारे क्रॉकेट्स। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, और अंदर से भी देखिए आप, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बने हैं और चीज़ भी हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकॉन नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी रेसिपीज़ पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।